मेरा नाम रिजवाना बेगम है। रात में मेरे ऊपर हरासमेंट हुआ। हरासमेंट करते वक्त उन लोग धमकी दे रहे हैं कि मेरे भाइयों को मार डालते बोल के धमकी दे रहे हैं, मेरे वाली साहब को मार डालते बोल के धमकी दे रहे हैं। अगर हम ऐसा धमकी दे लेते रहे महल्ले वाले खिलाफ है बोल रहे हैं, महल्ले वालों को हम क्या तकलीफ़ दिए कि महल्ले वाले भी आके हमारे सामने बात रखना कि हम तकलीफ़ दिए उनको बोल के, तो वो बात को हम एक्सेप्ट कर लेते, हम वो कर लेते। हाँ, हमारे से क्या तकलीफ़ है महल्ले वालों को? महल्ले वाले बोलेगा थे आप लोग, हम महल्ले वालों से हम गुजारिश कर रहे हैं कि आखिर हमारे घर पे इतना कई क्यों कर रहे हैं? एक जनों को गाड़े, अब तीनों है, तीनों को भी गाड़ते बोल के बोल रहे हैं। अगर गाड़ने का उतना शौक़ है महल्ले वालों को तो आके सबको एक साथ गाड़ दिया तो पूरा खानदान ही दफन हो जाता हमारा। हाँ, लड़ाई हुई रजाक का बाबा अजीज़ मियाँ, हाँ, हरासमेंट करता कहते मेरा हरासमेंट करता है, मेरे को रिश्ता मंग रहा उन्हें, अब मेरे को कर लेता कहते 65 साल का बुड्ढा 24 साल की बच्ची को शादी कर लेता कहते उन्हें। ऐसा शादी कर लेना जायज़ है इस्लाम में? बीवी को रखते पर, बच्चों को रखते पर, पोतरा पोतरी को, भवों को रखते पर उन्हें आके मेरे साथ शादी कर लेता कहते उन्हें नहीं कर लिया तो उसको नहीं दिया तो भी उसके बेटे को दियो पर रज़ाक को, अब्दुल रज़ाक मैकेनिक है उन्हें, उसको दिया बोल के बोल रहा उन्हें। मेरे से नहीं काम हुआ तो मेरे बेटे से काम चला ले तो मैं बोल के बोल रहा, और नहीं तो अगर नहीं आई तो गल्ला पकड़ के नाइटी पकड़ के खींच के गेट के बाहर दरवाजे के बाहर ले लेके आके हरास कर रहा मेरे को के एक बार तो भी तेरे को करके ख़राब करके छोड़ देता हूँ बोल के बोल रहा। ऐसे गंदे गंदे अल्फाज वो कर रहा, मैं मुसलमान होकर कैसा बयान करूँ? रमज़ान का महीना है, रोज़े रहते सब रहते, हम गुनहगार मरना, एक जना ख़राब हो गया गली में तो सब ख़राब बोलेंगे हमारे को। किस बात से ख़राब बोलते हैं? क्या वजह है हमारा ख़राब पाना? क्या है बताना महल्ले वाले भी, हम थक चुके हैं, मेरे बाबा को सपोर्ट कोई नहीं है, हम भी इसलिए सपोर्ट नहीं रहने की वजह से ये प्रेस वालों को बुलाए हमारे सपोर्ट के लिए, प्रेस वाले हमारे भाई है, पुलिस वाले हमारे भाई है बोल के मदद के लिए उन लोगों को बुलाए हम। आप लोगों से कल पूरे जने चार जने है, अब्दुल रज़ाक खलील जो भौनई है रज़ाक का, सेकंड वाला भौनई है रज़ाक का, और दो बाजुक वाले इलियास और रियाज दोनों है। इन्हों पूछने आए कि हमारे को लड़की होना, हम ऐसा कर रहे हैं बोल के, लेकिन ये बाजुक वाले जो आके भाई के ऊपर हमला करे, मेरे छोटे भाई के ऊपर इंजोर कर दिया, उसका पाँव तोड़ दिए, उसको मार दिए, बात हुई हरासमेंट की हो रही, उन्हें आया, उन्हें पूछा था उन्हें, इन्हें इन्वॉल्व हो गए, इन लोग पूरे घर के पूरे लेडीज आके हंगामा करे, दिन रात में करे सो करे और सुबह दिन में भी। जब हम पुलिस स्टेशन को गए, घर पे आके फिर औरत लेडीज़ आके वो घरी, आप बोल रहे हैं कि सब जने एक बार तो हो जाने दे, ये केस हो जाने दे, अब बताते कहते एक एक कौन जिंदा रहता कौन नहीं रहता, तो अब बताएंगे हमारा फैसला आप उन्हें करेंगे कहते कभी। हमारे को पुलिस प्रोटेक्शन होना, हमारे को सेफ्टी होना, हमारे को सेल्फ डिफेंस होना, हमारे को मदद चाहिए बस, कोई नहीं हमारे सपोर्ट, मेरे वालिद के सपोर्ट कोई नहीं है, आप लोगों से है, आप लोगों से मदद चाहिए, गुजारिश कर रही हूँ। देखो एक बहन, ये महीना 15 दिन से ये हरासमेंट का केस चल रहा है साहब, ये बच्ची देना बच्ची देना बच्ची देना सस्पेंस में रखे, कल जो निकाला पूरा क्लियर कर दिया उन्हें, कल मैटर पूरा क्लियर कर दिया कि उन्हें खींचम खांची का तक आ गया उन्हें घर घुस के। रात में वायदनार ओल्ड मलकपेट पे घर के सामने रहे सो एक बुढ़ा आदमी उनका बच्चे को शादी करते बोल के पूछे तो घर वाले उनके घर में पूछे थे, दोनों घर वाले लड़ लिया। एज क्या था उसमें बुढ़ा आदमी का? एज 70 ईयर्स है था, और बच्ची सामने वाले घर का बच्ची का एज 25 रहेगा, उनको शादी करने तो बोल तो घर में पूछे तो घर वाले दोनों घर वाले के बीच में रात 1 बजे घर के सामने लड़ाई हुआ, उसमें दोनों घर वाले के ऊपर केस बुक कर रहे और बुढ़े के ऊपर घर पे वो पत्थर से मारे तो उनके पैर को फ्रैक्चर हुआ। किसके पास अभी फाइल है? लड़की के बच्ची के भाई को बच्ची का भाई को बच्ची के भाई को फ्रैक्चर हुआ। सर क्या क्या सेक्शन में लगा? अरे बुड्ढे और घर वाले के ऊपर 354 509 324 448 सेक्शन लगाए, और अपोजिट पार्टी के ऊपर 324 सेक्शन लगा, दोनों के ऊपर काउंटर केस बुक कर। हाँ अभी तक तो नहीं है, अभी बचाने के लिए कोई भी नहीं है, कोई एक आदमी इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट करेंगे अभी। हाँ।